हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 4 के डीपीएसपी में आता है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय अ सूटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्क अ लिविंग वेज, कंडीशंस ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। एंड इन पार्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेटिव बेसिस इन रूरल प्लेसेस। आर्टिकल 43 हमारे स्टेट से कहता है, कृपया करके वर्कर्स को लिविंग वेजेस प्रोवाइड करो ताकि हर एक व्यक्ति डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके, उसको इन्जॉय कर सके। इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है, मतलब टाइम टू टाइम छुट्टियां भी देनी है ताकि हर एक बंदा अपनी संस्कृति को इन्जॉय कर सके, अपने फेस्टिवल्स और रिलीजियस वेज को इन्जॉय कर सके। इसके बाद दोस्तों, इसी आर्टिकल में एक पॉइंट है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है। पहला पॉइंट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे है, दूसरा पॉइंट गांधीयन प्रिंसिपल पे है। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट में 43A को ऐड किया गया, जिसमें कहा गया कि अब से वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में। ये आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसके बाद 97th अमेंडमेंट जो कि 2011 में हुआ था, इसमें ऐड किया गया था 43B, आर्टिकल 43B। ये आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल पे है और इस आर्टिकल के हिसाब से हम लोगों को कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करनी चाहिए। तो ये छोटी सी बात है दोस्तों इस आर्टिकल में। उम्मीद है आपको अच्छे लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।